हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकर्स फंडा में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ LIC असिस्टेंट मेंस के जो क्वेश्चंस का लेवल है वो कैसा आने वाला है। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स के लिए LIC ने डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम पैटर्न डिसाइड किए हैं। उसके अनुसार दोस्तों, इसमें टू टाइप्स हैं, ए एंड बी स्टेट और दोस्तों एक सी स्टेट्स। दोस्तों, ए एंड बी स्टेट के अंदर हिंदी इंक्लूड है, तो दोस्तों इसके अंदर पांच सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, चौथा सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी और पाँचवा सब्जेक्ट है हिंदी। दोस्तों, LIC ने प्री डिफाइन कट ऑफ 14 और 16 मार्क्स रखा है, तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट ही आने वाला है। तो दोस्तों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे आराम से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, सेकेंड टाइप है पार्ट सी स्टेट्स के लिए, तो दोस्तों इसके अंदर आपका हिंदी इंक्लूड नहीं है, तो दोस्तों इसमें फोर सब्जेक्ट्स हैं ओनली, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी। तो दोस्तों, इसके अंदर प्री डिफाइंड कट ऑफ ST SC और PWD कैंडिडेट्स के लिए कहीं 18 मार्क्स है, कहीं 14 मार्क्स है, तो कहीं 22 मार्क्स है। और दोस्तों, जनरल और OBC के लिए यहाँ प्री डिफाइंड कट ऑफ कहीं 20 मार्क्स है, कहीं 16 मार्क्स है, तो कहीं 24 मार्क्स। दोस्तों, प्री डिफाइंड कट ऑफ के रिगार्डिंग आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो ईजी टू मॉडरेट ही रहने वाला है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे आराम से क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ अपने ओरिजिनल ID का फोटोकॉपी आपको लगाना है, स्टेपल करना है। और दोस्तों, ओरिजिनल ID क्या होनी चाहिए, एक तो आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है और वोटर ID हो सकता है। दोस्तों, उसका फोटोकॉपी आपको इसके पीछे स्टेपल करना है, और दोस्तों उसकी जो ओरिजिनल ID है वो आपको साथ लेकर जानी है। ठीक है दोस्तों, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।